Assalamu alaikum class 6, this is lecture 22. Today we are going to do FOG work. Last time जो हमने FOG का काम किया था तो उसमें हमने past perfect tense, new tense start किया था. Past perfect tense के बारे में बात की गई थी, discussion की गई थी कि ऐसा tense जिसमें past, उन past actions को discuss किया जाता है जो past में start होकर complete हो चुके थे. फिर हमने फॉर्मेशन भी डिस्कस की थी. इसके अलावा हमने टू एक्सरसाइज फॉर्मेशन की प्रैक्टिस के लिए की थी. और लास्ट टाइम जब हमने लैंग्वेज का काम किया था तो उसमें मैंने आपको 1-1 ऑलरेडी एग्जांपल में सॉल्व था सेंटेंस, तो मैंने 2 से 6 तक आपको राइट करने के लिए दिया था प्रैक्टिस के लिए. आज हमने 7 to 15 सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन करनी है. ये आपने खुद से करनी है प्रैक्टिस. जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जिसमें वोकैबुलरी डिफिकल्ट है वो आपको ऑलरेडी गिवन है, फिर भी मैं आपको सेंटेंसेस रीड कर देती हूँ. अगर कोई वोकैबुलरी डिफिकल्ट हुई तो मैं आपको बता देती हूँ. सॉल्यूशन आपने खुद से करनी है और अगेन बता रही हूँ, पेंसिल से काम करना है, पेन से नहीं करना है. जब हमारा काम टैली होता है, आपकी कोई मिस्टेक होती है तो वो मिस हो जाता है क्रिएट. कल अली कराची चला गया था, देयर इज नो डिफिकल्ट वोकैबुलरी. तमाम उम्मीदवार कमरा इम्तिहान में आ चुके थे. कमरा इम्तिहान एग्जामिनेशन हॉल, उम्मीदवार कैंडिडेट्स. लोग इससे पहले लोग अजीब जानवर देख चुके थे. अजीब जानवर, स्ट्रेंज एनिमल. लोग स्टेशन पहुंच चुके थे. पहुंचने के लिए आप रीच की वोकैबुलरी यूज करेंगे. मुल्ला कश्ती पार लगा चुके थे. आपने सेलर का वर्ड यूज करना है, बोटमैन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है. और पार लगाना मूर. मजदूर मकान की मरम्मत कर चुके थे, कर चुका था. डॉक्टर मरीज का मुआयना कर चुका था. मरीज का मुआयना करना एग्जामिन. अमजद सबक याद कर चुका था. डाकिया दोपहर से पहले खत तकसीम कर चुका था. अच्छा, यहाँ पर आपको वोकैबुलरी गिवन है, डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना. आपने डिस्ट्रीब्यूट हम दूसरी चीजों की तकसीम के लिए करते हैं. जहाँ बात आती है खत तकसीम करने की, वहाँ हम डिलीवर का वर्ड यूज करते हैं. करेक्शन कर लें आप अपनी एफओजी में. आपने जब इस सेंटेंस की को ट्रांसलेट करना है तो तब भी आपने क्या करना है, डिलीवर का वर्ड यूज करना है. DELIVER तकसीम करने के लिए डिलीवर का वर्ड यूज करना है, ठीक है. तो आप लोगों का ये होमवर्क है, होम टास्क है. आप लोगों ने ट्रांसलेशन सॉल्व करनी है. वोकैबुलरी मैं फिर भी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ. जो थोड़ी बहुत आपको आपके लिए टफ थी वो भी डिस्कस कर दी है मैंने. आप लोगों ने इसको नीटली जो है करना है. एंड वन मोर थिंग, हमेशा जब भी काम करें अपनी एफओजी का, जिस दिन का काम हो उस दिन की डेट मार्क किया करें, ताकि आपको भी अंदाजा रहे कि आपने इस दिन कौन सा काम किया था.